हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीकेंड है और मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको पूरी अपनी ग्रॉसरी दिखाऊं कि मैं क्या खरीदती हूँ, क्योंकि सबके मन में यही रहता है क्वेश्चन कि यहाँ मिलती नहीं है चीज़ें। और जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो मुझसे भी सबने ये कहा था कि यहाँ वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं या मसाले नहीं मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मतलब आप जहाँ भी मूव होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ मूव हो रहे हैं, और आजकल इंडियन कम्युनिटी हर जगह बहुत सारी है, तो डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि नोवा स्कॉशिया, टोरंटो, आप कहीं पे भी मूव हो रहे हैं, अगर बड़ी सिटी में मूव होते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ और अवेलेबल होती हैं। और मैं यहाँ ग्रॉसरी जहाँ से करती हूँ वो कॉस्को और वॉलमार्ट से करती हूँ। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इंडियन स्टोर जाएँ कभी, क्योंकि इंडियन स्टोर में थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, पर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही है तो आप इंडियन स्टोर से वो चीज़ें बाय कर सकते हैं। मैं कॉस्को से करती हूँ, कॉस्को में वेजीज बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कॉस्को में जाना। कॉस्को से मैं सारी वेजीज, और कॉस्को में क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि आप होल सेल किसी स्टोर पर जाते हो तो बड़ी चीज़ें उठा के लाते हो, तो वहाँ से आपको बल्क में चीज़ मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से वो कॉस्ट एफिशिएंट होती है कि आप एक बार वो चीज़ ले आते हो। छोटा पैकेट अगर किसी चीज़ का $2 का है, $5 का है, तो बड़ा वो आपको 15 या 18 में बड़ा मिल जाता है, वो आपको पूरा साल चलता है। जैसे कि ऑयल है, और आपके लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर, और डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, टिश्यूज़ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना, मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यही था, सबने मुझसे ये कहा था कि कॉस्को में इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं और आपकी जो इंडियन चीज़ें हैं वो कॉस्को में अवेलेबल नहीं है। तो कॉस्को में कार्ड बनता है, $60 का कार्ड है, मेंबरशिप अलग अलग टाइप की है उसमें, पर जो पहला कार्ड जो स्टार्ट होता है गोल्ड कार्ड, वो 60 का है। तो हमने भी सोचा कि वो क्यों हम उसमें पैसे खर्च करें कि जब मतलब आपको चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो हमें कंज्यूम करना, हमें तो इंडियन आइटम्स ही कंज्यूम करना है। पर हमने पता नहीं क्यों एक बार सोचा कि एक्सप्लोर करके देखते हैं, क्योंकि यही सुना था कि वहाँ पे कुकीज़ अच्छी मिलती हैं, ये डेजर्ट की चीज़ें अच्छी मिलती है। तो जब मैंने वो कार्ड बनवाया और मैं जब गई, तो मैंने सच्ची ये फील किया कि नहीं, आप इतने साल से जो आप यहाँ वॉलमार्ट या आप सोपीज या और स्टोर्स पे जा रहे थे वो बेवकूफ़ी कर रहे थे। हर स्टोर की एक अलग स्पेशलिटी है। कॉस्को की स्पेशलिटी है कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ें लेनी है तो आप वहाँ से मतलब हर चीज़, मिल्क भी आपको वहाँ अच्छा मिलता है, योगर्ट भी अच्छे मिलते हैं, वेजीज बहुत फ्रेश और अच्छे मिलते हैं। तो मैं मतलब मेरी एडवाइस आप सबको यही रहेगी कि आप कॉस्को का कार्ड ज़रूर बनवाएं, और वहाँ ऐसा नहीं है कि इंडियन चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो चीज़ें वेजीज तो कॉमन ही है, लेटस, सैलड वगैरह, अनियंस, पोटैटोज, ये सभी खाते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बल्क में ऑयल वगैरह लाते हैं, वहाँ आपको फ्लावर नहीं मिलता है, आपको आटा नहीं मिलेगा, बेसन नहीं मिलेगा, मैदा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वॉलमार्ट जाना पड़ेगा। वॉलमार्ट मैं जाती हूँ तो वॉलमार्ट से मैं ये चीज़ें पिक करती हूँ, पूरी इंडियन वेजीज लाती हूँ मैं, और इंडियन वेजीज भी सब मिल जाती है। वॉलमार्ट में आपको सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको मसाले मिल जाते हैं, आपकी वेजीज मिल जाती है। मैं आपको अपनी वेजीज अभी दिखाऊंगी, तो पूरी वेजीज मिल जाती है, करेला, ओकरा, पर वही है कि हर वॉलमार्ट में नहीं मिलती है। जैसे कि आपकी लोकेशन में 8 वॉलमार्ट्स हैं, तो जिस वॉलमार्ट के आसपास इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वॉलमार्ट वहीं पे अपनी सप्लाई इंडियन वेजीज की, इंडियन स्टफ की, मेरे ख्याल से ही देता है। तो हमारे यहाँ भी ये जैसे कि वॉलमार्ट है, पूरे एरिया में 2 वॉलमार्ट हैं जो इंडियन वेजीज सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आज मैं लेट हो गई, आज पहले मैंने 3 बजे में घर से निकली, लंच के बाद में गई, तो जो कॉस्को में किया, कॉस्को में ऑब्वियसली आप जब भी कहीं जाते हो तो टाइम लग जाता है पूरा देखने में, तो मुझे 1-1.5 घंटा कॉस्को में लग गया। जब मैं वहाँ पहुँची शाम हो चुकी थी, और एक सुपर स्टोर है और वहीं पे सारे इंडियंस आते हैं, तो जब वो इंडियंस आते हैं तो आपको भी यहाँ छठी छठाई चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे मिलती नहीं है। तो आज मेरा ये हार्ड लग रहा है कि मुझे आज सिलेंट्रो नहीं मिला, ग्रीन चिलीज नहीं मिली, ओकरा नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें हैं वो जो ख़त्म हो जाती हैं, आपको नहीं मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप वॉलमार्ट पे हैं तो आपको सिलेंट्रो नहीं मिलेगा, सिलेंट्रो यहाँ के लोग भी खाते हैं, जिंजर यहाँ के भी खाते हैं, सिलेंट्रो जिंजर अब कहीं और भी मिलती हैं, सोबीज या अटलांटिक कहीं मिलती है, पर हाँ थोड़ी प्राइजेस का फ़र्क हो जाता है। अगर $1 की कहीं चीज़ मिल रही है तो आप सोबीज या अटलांटिक या कहीं और जाओगे ऐसे स्टोव पे, अदर देन इंडियन स्टोव में भी वही है कि थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगा। तो अगर आप काम चला सकते हैं, मैं तो काम चला लेती हूँ, मुझे लगता है कि यार $1 का जो चीज़ मिल रही है, मैं $4 दूसरे स्टॉप पे जाके क्यों, मैं देखने जरूर गई थी, फिर मैंने कहा वहीं पास अटलांटिक था, मैं देखने गई,
तो वहाँ पे थोड़े कॉस्टली था जिंजर और सिलेंट्रो, तो मैं लेके नहीं आई कि चलो मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी जब मिल्क वगैरह लेने जाऊँगी तो मैं वहाँ फिर चली जाऊँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं मिलता है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे मसालों का टेस्ट वैसा नहीं होता है, तो इंडिया से आप मसाले लेके आओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ लेके नहीं आई थी यहाँ पे मसाले वगैरह। मसाले यहाँ MDH के ही मिलते हैं। आज मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बड़े बड़े पैकेट्स लेके आती हूँ, और उसका मैं एक अलग से फ्लॉग बनाऊंगी जब मैं लेके आऊँगी उसको, कि वो पैकेट्स MDH के भी यहाँ मिलते हैं और MDH का टेस्ट तो वही होगा जो आपके इंडिया में है, वही यहाँ टेस्ट है। और एक शान का कोई ब्रांड होता है, शायद वो पाकिस्तान का ब्रांड है, तो मिल जाते हैं आपको। मैंने कभी शान का टेस्ट नहीं किया है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि जब से मतलब मैं मूव हुई हूँ तो मैं MDH यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। फिर नहीं है तो आप इंडियन स्टोर से बाय कर सकते हैं, अगर आप इतने टेस्ट कॉन्शियस हैं कि आपको लगता है कि मसाले में वो टेस्ट नहीं है। क्योंकि आप कितनी चीज़ें आप अपने बैग में लेके आ जाओगे, एक बार आ जाएगा फिर तो आपको यहीं सर्वाइव करना है। तो चलिए मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ, और ग्रॉसरी अभी मेरी लगी नहीं है, मैं लेके जस्ट आई हूँ। अभी पूरा फैला है, मैंने सोचा फ्रिज में लगाने से पहले आपको दिखा लूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं फ्रिज से निकालती आपको दिखाती, तो अभी पूरा फैला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अपनी वेजीज से, कि मैं वेजीज में क्या लेके आई। तो देखिए ये आज ग्रीन पेपर, ये बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है। ये मिला इंडियन की बात की जाए तो देखिए कॉलीफ्लावर, ये खूब अच्छा गोभी है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मैं ये लेके आई हूँ। और ये देखिए, कोई बिलीव नहीं करेगा कि करेला लेके आई हूँ, फाड़ देती हूँ उसे। ये देखिए अच्छा करेला, फ्रेश, ऐसा नहीं है कि गला या गंदा सा कोई करेला हो, तो ये मैं करेले लेके आई हूँ। और देखिए ये एग प्लांट है, ये बैगन है, बैगन देखिए बड़े वाला मैं भरते के लिए लेके आई हूँ, उसका बैगन का भरता बनाऊंगी। दो बैगन लेके आई हूँ, और ये बड़ा वाला लेके आई हूँ। और पता नहीं इसमें जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, कोई एक चाइनीज़ बैगन भी होता है, चाइनीज़ एक प्लांट है शायद, ये लंबा वाला है, अच्छा पता नहीं क्या लिखा है, परफेक्ट एक प्लांट है। तो ये जो एक प्लांट है ये मेरी सब्जियों के लिए है। तो देखिए एक प्लांट भी मिलता है यहाँ, और देखिए लौकी। और आप हर चीज़ की क्वालिटी देखोगे ना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसी फ्रेश है कि जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल मिलती है कि हाँ खेत से निकल के आई है, बिल्कुल फ्रेश है, खुशबू भी अच्छी है, कोई गंदगी नहीं है। और ये देखिए गार्लिक, थोड़ा मैं गार्लिक ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं बड़ा गार्लिक लेके आई हूँ। वैसे इसका 3 का पैक भी मिलता है हर जगह छोटा सा। तो ये मेरी गार्लिक है, ये देखिए ग्रीन पीस का, ये फ्रोजन ग्रीन पीस है, तो मैं ये लेके आती हूँ जो मेरे पूरे मंथ चल जाती है। शुगर तो आपको क्या दिखाना, शुगर मिलती है। और हाँ ये देखिए मूली, आज का प्लान है कि मैं आज शाम के मूली के परौठे बनाऊंगी, तो ये मूली मिलती है, और बिल्कुल मूली जैसी खुशबू, अच्छी फ्रेश आ रही है। ये देखिए लेमन, इतने सारे लेमन लेके आई हूँ क्योंकि मैं अमचूर यूज़ नहीं करती हूँ। अमचूर भी मिलता है मेरे पास है, पर जब लेमन ख़त्म होते हैं तो मैं अमचूर यूज़ करती हूँ। ये जुकिनी है, जुकिनी की सब्जी या सारे का मैं यूज़ करती हूँ। ये तुरई की स्पीशीज होती है जितना मुझे पता चला है यहाँ पर, तो आप ये भी यूज़ मैं करती हूँ। क्यूकम्बर, खीरा मिलता है यहाँ पर, और एप्पल और आलू प्याज तो पता ही है आपको मिल ही जाते हैं इजली। और ये देखिए लेटस, ये मैं सैलेड में यूज़ करती हूँ, तो मैं लेटस के 2 पैकेट लेके आई हूँ कि पूरे 2 वीक्स चल जाते हैं, और इनकी एक्सपायरी भी लंबी होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाते हैं या जल्दी ख़राब होंगे। और सील पैक्ड है अच्छी, कि आप इसे खोलें इसमें से थोड़ा, और ये फिर जिप लॉक है कि आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरह पैक रहेगा, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं जाएगा, और ये फ्रेश बना रहेगा पूरे 1 वीक तक ना। तो मेरे 2 हफ्ते ये चीज़ें चल जाती हैं। और क्या दिखाऊँ मैं आपको, हाँ ये देखिए, ये मैं कॉस्को से मैं ये लेके आती हूँ। कॉस्को में जैसे मैंने कहा कि ऑयल बड़ा मिल जाता है, ये मुझे मिलता है, ये मार्जरीन मैं यूज़ करती हूँ। मैं बटर या घी में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, मैं इसमें सब्ज़ी बनाती हूँ अपनी,
फ्राइंग के पर्पज से, मतलब फ्राइंग के लिए मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें मैं अपनी सब्जी बनाती हूँ मार्जरीन से, तो मैं ये लाई हूँ। और ये आपके चीज़ रोल्स हैं, चीज़ रोल्स आपको कॉस्को में मिल जाते हैं, स्प्रिंग रोल्स आपको मिल जाते हैं। और जो वो खाने के शौकीन हैं, मोमोज खाने के शौकीन हैं, यहाँ पे मोमोज मिलते हैं, पर उसे डम्पलिंग्स कहते हैं। और वो आपको स्टीम नहीं मिलेंगे, फ्रोज़न होते हैं डम्पलिंग्स। और वो चिकन या बीफ या ऐसे नॉनवेज मिलते हैं डम्पलिंग्स, तो वो आप ईज़िली यहाँ से, मतलब आपकी टेस्ट भी सेटिस्फाई मतलब हो जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं स्प्रिंग रोल लेके आती हूँ पर आज मुझे मिला नहीं स्प्रिंग रोल, तो मैं ये लेके आई हूँ। देखिए ये अनियन, इतना बड़े अनियन मैं लेके आई हूँ, ये दो पैकेट लेके आई हूँ कि पूरा मन चलेगा। और ये ख़राब भी नहीं होते हैं कि महीने भर में आपके ख़राब हो जाएँ। और ये कॉस्को की देन है, कॉस्को में मतलब ये बहुत अच्छी है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और स्नैक्स का तो उसमें भरमार है, फुल है बहुत स्नैक्स ना उसमें, इतने आपको स्नैक्स की वैरायटी मिल जाएंगी। और जो मतलब आपकी जिसमें कैलोरीज भी कम होंगी, शुगर भी कम होगा, जो हेल्दी हो, तो मतलब मल्टीग्रेन आपको स्नैक्स मिल जाएंगे और इंडियन भी मिल जाते हैं, जैसे मुझे स्प्रिंग रोल मैंने आपको बताया। तो मैं स्नैक्स में आज ये लेके आई हूँ कॉस्को से नान थिंस, ये मल्टीग्रेन है और इसको आप वेजीज के साथ, सैलेड के साथ खा सकते हो। देखिए इसमें ये बना है तो, और इसकी देखिए एक्सपायरी भी बेस्ट बिफोर, पता नहीं अप्रैल नहीं नवंबर 2019। और देखिए कितनी ज़्यादा एक्सपायरियाँ हर जगह मतलब चीज़ों पे मिलती है, मिल्क वगैरह में भी। और ये स्नैक्स हैं कि देखिए ये लिखा है मार्च 2019, अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि थोड़ा अलग उसमें लिखा है स्टाइल में, तो ये नवंबर 2019 तक ये मेरा स्नैक चलेगा। ख़त्म तो बहुत पहले ही हो जाएगा, मे बी एक वन मंथ में। और मैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में मैं खाती हूँ ओट्स। तो देखिए कॉस्को में इतना बड़ा ओट का पैकेट मिलता है पूरा, ये पूरा बॉक्स लेके आई हूँ। और ये मेरा आई थिंक डेढ़ महीने चल जाता है, डेढ़ महीने मेरा पूरा चलेगा ओट्स का। तो इतने मतलब ये, और आप अगर और के स्टोर पे जाओगे तो इतने छोटे छोटे से आपको पैकेट मिलेंगे जो नॉर्मल क्वेकर ओट्स के मिलते हैं, और वो आपको $7 या $10 इतने मतलब। और ये आपको इतने ही रेंज में इतना बड़ा मिल जाता है, तो मुझे ये लेने ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए ये भी कॉस्को से ही लाई हूँ मैं, आलमंड्स और वॉलनट्स। और ये पैकेट मैंने बीच में खोल लिया था, भूख लग रही थी लौटते वक्त, तो ये भी वहाँ से मिला है मुझे कॉस्को से। ये बीन क्रिस्प हैं और इसमें पूरे मल्टीग्रेन हैं, देखिए पूरे वेजीज लगे हुए हैं, बहुत टेस्टी है। एप्पल वगैरह, ये देखिए एप्पल की क्वालिटी भी अच्छी होती है, एप्पल है। और एप्पल इतनी वैरायटी के लगे रहते हैं ना, ज़्यादा रेड एप्पल, फिर उससे कम रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो, कि आपको ऐसे लगेगा कि बॉल्स लगी हुई और कौन सा एप्पल अच्छा है। और सब में रेट में फ़र्क होगा, कोई 6 का, कोई 8 का, कोई 9 का, कोई 10 का, पता नहीं कौन से अच्छे होते हैं, मुझे आज समझ नहीं आया। ये देखिए मिल्क का, और देखिए इसकी एक्सपायरी कितनी लंबी है, आज 3rd है ना, आज 3rd फेब है, और ये मेरी फेब 23rd तक ये एक्सपायर नहीं होगा। देखिए उससे पहले ख़त्म हो जाता है, पर अगर आपको दिख रहा हो तो। और देखिए ब्रेड, स्वीट ब्रेड है नॉर्मल, और ये इसमें तीन पैकेट्स हैं। और ये मैं कॉस्को से लाई हूँ, मतलब इन शॉर्ट ये कि कॉस्को में आपको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या फिर आप अकेले हो तो बार बार जाना नहीं चाहते हो और पैसे भी बचाना चाहते हो। और ये देखिए गार्लिक ब्रेड, ये भी मैं कॉस्को से लेके आई हूँ। और कॉस्को की यही एक और एडवांटेज है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने कहा ब्रेड, ये गार्लिक ब्रेड है, ये बहुत टेस्टी होती है। मैं कभी इसे ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में हम इसको ले लेते हैं। और अगर आप ये कॉस्को में अगर मान लीजिए $10 का मिल रहा है, तो आप कहीं और देखेंगे ना तो इसका हाफ आपको छोटा पैकेट 10 में मिलेगा। तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना कॉस्को में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और मैं वॉलमार्ट के लिए, जैसे मैं वॉलमार्ट में किस लिए जाती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं अभी लाई थी, जो मैंने आपको दिखाया करेला और एग प्लांट, ये सारी चीज़ें आपको वॉलमार्ट में मिलती हैं, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। अदरवाइज कॉस्को से आप चीज़ें लाते हो, तो अगर आप मेरी मानिए तो आप भी प्लीज़ यहाँ आके कॉस्को कार्ड ज़रूर बनवाना। और ये देखो ये भी मैं पीनट बटर लाई हूँ। और देखिए ये छोले,
छोले का इतना बड़ा पैकेट मेरे ही खत्म हो गए थे. और हर दाल आपको वॉलमार्ट में अवेलेबल होती है, काली, ऑरेंज और जो भी दालें होती हैं, मुझे नेम याद नहीं है, तो आपको वो सारी दाल मिलती है. यार मेरी ये छोले ख़त्म हो गए थे तो मैं छोले लेके आई हूँ. और ये कौन सी मूंग दाल, ये मूंग दाल लेके आई हूँ. तो आपको ये दाल, किडनी बीन्स, सारी चीज़ें, काले चने, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाता है. इंडियन स्टोर तो मैं तभी जाती हूँ जब मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होता है. जैसे अभी लोहड़ी आई थी तो मैंने गुड़ के लड्डू वगैरह बनाए थे, तो गुड़ लेने के लिए मुझे जाना पड़ा था. तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए जाना पड़ता है. तो भाई मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. देखिए जैसे कि ये पनीर, पनीर के मैं ये दो पैकेट्स लेके आई हूँ. पनीर मिल जाता है, घी मिल जाता है यहाँ पे. आपको देसी घी का मैं बड़ा पैकेट लेके आई हूँ. ये देखिए न्यूट्रिला मिल जाता है. न्यूट्रिला का बस ये है कि छोटा पैकेट मिलता है. हमारे यहाँ तो अपने यहाँ बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं, मुझे अभी तक बड़ा पैकेट देखने को नहीं मिलता, पर मैं इसके भी ग्रेटफुल होंगी कल. चलो कम से कम ये यहाँ मिल जाता है. तो जब भी मुझे मिलता है तो मैं 5-6 पैकेट उठा लाती हूँ. तो आज भी मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ कम थे. ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. और क्या, हाँ ये दही, ये देखिए दही. दही की भी एक्सपायरी मार्च 2019 है, तो पूरा 1 मंथ आपका चलेगा फेब अभी. तो नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं बेसिक जो चीज़ें हैं ना अपनी वॉलमार्ट और कॉस्को से लेती हूँ. कॉस्को मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको उसमें बहुत वैरायटी दिख जाती है स्नैक्स की और बाकी चीज़ों की. और मुझे ऐसा नहीं लगता, ऑब्वियसली आपको थोड़े टेस्ट आपको लगेगा कि चीज़ों का टेस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप पता नहीं क्यों, शायद वो हमारे मम्मी के हाथों का कमाल होता है कि वो खाने में वो टेस्ट आता है, या फिर चीज़ों का, वो मुझे नहीं पता. आप उन चीज़ों में मिस करते हो, मैं भी मिस करती हूँ कि वो चीज़ें नहीं है. शायद हमारे जो परवल मिलते हैं, पर मैंने सुना है कि कुछ जगह परवल, टोरंटो में परवल भी मिलते हैं, यहाँ पे परवल नहीं है. तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ मूव हो रहे हो. पर हाँ, आप जहाँ भी मूव हो रहे हो, आजकल इंडियन पॉपुलेशन हर जगह है, और जब पॉपुलेशन है वहाँ पे तो यहाँ के जो शॉप्स हैं वो आपको चीज़ें भी अवेलेबल कराती हैं. तो मुझे नहीं लगता कि जो भी यहाँ आएगा वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करेगा. मैंने यहाँ पे अभी तक खाने पीने के मामले में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की. आपको सारी चीज़ें मिलती हैं. और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेजीज़ का ये रहता है कि आप वेजी पे ही पूरा डिपेंड रहते हो. तो मैं वेजीज़ पे डिपेंड हूँ. और वेजीज़ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत फ्रेश लीव्स, स्पिनच आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है. तो सब कुछ अच्छा मिलता है. तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरा जो ब्लॉग है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. और आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो ऊपर क्लिक करिए और नीचे सब्सक्राइब. Till then, bye. Wait for my next video. Bye-bye.